मतदान के पहले दिन जैन धर्मशाला में शराब संग्रहण एवं वितरण की झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ समाजजनों ने कार्रवाई करने की मांग की है। बड़वा विधानसभा निर्वाचन के दौरान अज्ञात लोगों द्वारा नगर की जैन धर्मशाला में शराब संग्रहण एवं वितरण की झूठी शिकायत पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने धर्मशाला की जांच की थी। इस पूरे मामले को लेकर संपूर्ण जैन समाजजन में आक्रोश था। समाजजनों ने प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम सत्येंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपकर झूठी शिकायत कर समाज को बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। धर्मशाला व्यवस्थापक अभिषेक जैन ने बताया कि मतदान की पूर्व रात 27 नवंबर को कुछ अज्ञात लोगों की शिकायत पर प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस अमला दिगंबर जैन समाज पहुंचा था। समाजजनों के पूछने पर उन्होंने बताया कि यहां शराब संग्रहण एवं वितरण की शिकायत मिली है। तलाशी लेने के बाद यह सूचना झूठी निकली। इस पूरे प्रकरण से समाज की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। मैं अभिषेक जैन धर्मशाला व्यवस्था को विगत विधानसभा चुनाव में वोटिंग के एक दिन पहले प्रशासन पुलिस टीआई साहब के साथ प्रशासनिक अधिकारी और काफ़ी बल लेके धर्मशाला चेकिंग के हिसाब से आए थे। उनका यूँ कहना था कि यहाँ पर शराब वितरण की जा रही है, तो अपन व्यवस्थापक के नाते उनको बिल्कुल सहयोग किया कि ठीक है आप करिए, पर जिसने भी किया हमको उसका नाम चार्ज नहीं किया। उन्होंने कुछ जांच पड़ताल की उन लोगों ने, हाँ, पूरी धर्मशाला खुलवा के एक एक कमरा एक एक ऊपर छत वत सब पूरी अपन ने जाँच उनकी करवाई, उनकी सहयोग पूरा किया, उनको कुछ नहीं मिला। और इससे हमारी समाज की छवि को बहुत आहत हुआ है, क्योंकि जैन समाज एक पहले सात्विक और बिल्कुल त्याग के धर्म का माना जाता है। इसमें इस व्यसन से मुक्त होने के लिए कहा जाता है, और इन्होंने धर्मशाला में एक व्यसन शराब होने की कहने से बहुत छवि खराब करने की कोशिश की जैन समाज की। इसके विरुद्ध में हमने कल एक ज्ञापन दिया है, उसमें हमने मांग की है कि जिसने भी ये कृत्य करवाया गया है, जिस भी नेता ने या जिस भी दल ने, उसका नाम हमको उजागर किया जाए। और अगर किसी के कहने पर नहीं और प्रशासन ने कार्रवाई की गई हो, तब प्रशासनिक अधिकारी पर कार्रवाई की जाए, हमने मांग की है कल ज्ञापन में।